हंसी में फूटा कांग्रेसियों का गुस्सा, आपको दिखा रहे हैं खबर। बता दें कि यूपी के सीतापुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने से क्रोधित हादसे में कांग्रेस के नेता अब भाजपा सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करने लगे हैं। आपको यह बता दें कि आज काली देवी चौक पर कांग्रेस के नेता तेलुराम जांगड़ा अमरन अनशन पर भाजपा सरकार के खिलाफ बैठ चुके हैं। बड़ी अपडेट आ रही है जो आप तक हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज 36 घंटे हो गए हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो हमारी नेता हैं और दीपेंद्र हुड्डा जी जो हरियाणा के एक राज्यसभा सांसद और एक युवा दिलों की धड़कन है, उनको 36 घंटे से गिरफ्तार किया हुआ है। उसको जब तक नहीं छोड़ेगी बीजेपी की सरकार, तब तक मैं भूख हड़ताल पे रहूँगा, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। जब तक हमारे नेताओं को रिहा नहीं करेंगे तब तक मैं भूख हड़ताल पे रहूँगा। तक हमारे नेताओं को रिहा नहीं करेंगे तब तक रहेगा, चाहे दो दिन लगे, तीन दिन लगे, कितने दिन लगे, जब तक रिहा नहीं करेंगे तब तक भूख हड़ताल पे रहूँगा। क्या कहना जी, ये सरकार जाती करने लग रही है किसी के साथ, ठीक है भाई, किसी को विपक्ष को विपक्ष नहीं समझने लग रही। ये तो एक अंग्रेजों से भी बदतर होगी सरकार, ये सरकार ही नहीं है हकीकत में देखा जाए तो।